स्थान पर जाकर के बोले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। लगातार विधानसभा के सत्र में जोरदार हंगामा किया जा रहा है। पक्ष और विपक्ष लगातार मिलकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो वहीं अब जोरदार हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने वहां पर मौजूद तमाम विधायकों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। साथ ही साथ उन्हें यह भी कहा कि ऐसी हरकतें, ऐसी भाषा का प्रयोग विधायकों को शोभा नहीं देता और इस तरीके से हंगामा करने से किसी बात का, किसी मुद्दे का कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। किस तरीके से स्पीकर विजय सिन्हा विधायकों को डांटते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं और अनुशासन का पाठ किस तरीके से स्पीकर विजय सिन्हा तमाम विधायकों को पढ़ाते हुए नजर आए, आप खुद इस वीडियो में देख लीजिए। वाद विवाद की पड़ी सीमाएं, सभी माननीय सदस्य नए पुराने ये आप पढ़े भी हैं, जानकारी भी है। सदस्य बोलते या प्रश्न करते या उत्तर देते समय वाद विवाद को प्रभावित करने के लिए राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के नाम का उपयोग न करेंगे, किसी ऐसे तथ्य संबंधी विषय का हवाला न देंगे जिस पर न्यायिक निर्णय लंबित हो, कि नहीं सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप या उसके विरुद्ध असंसदीय शब्द का प्रयोग न करेंगे और न उन पर बुरी नीयत का दोष लगाएंगे। विधानमंडल के दूसरे सदन तथा संसद या किसी अन्य राज्य विधानमंडल के आचरण कार्यवाही के संबंध में आक्षेप मूलक शब्दों का प्रयोग न करें। राष्ट्रपति या किन्हीं राज्यपाल या अपने न्यायिक कृत्यों का निर्वहन करते हुए किसी न्यायालय के आचरण पर आक्षेप न करें। देश द्रोहात्मक या मान हानिकर शब्द न बोलें। फिर आप लोग भी बोल रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं सुनिए तो, धैर्य बहुत जरूरी है। सभा के कार्य में जानबूझकर और हठपूर्वक बार बार रुकावट डालने के उद्देश्य से अपने बोलने के अधिकार का प्रयोग न करें, यह सभी को ध्यान में रखना होगा। सभा के किसी निर्णय पर उसके संबंध में नया प्रस्ताव लाए बिना आक्षेप न करें। सभा द्वारा नियुक्त किसी समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति या संयुक्त प्रवर समिति की किसी कार्यवाही का हवाला न दें। अब आज ही हम लोग प्रोटोकॉल और अभ्यावेदन कमेटी की चर्चा किए, तो अब इसके बराबर हवाला नहीं हो। अध्यक्ष की किसी व्यवस्था या निर्देश पर अथवा अध्यक्ष के किसी प्रश्न, संकल्प या प्रस्ताव की अस्वीकृति के आदेश पर विमर्श या आपत्ति न करें। ये तमाम जो आपको नियमावली है पूरी बिहार की जनता देख रही है। अभी वैशाली से जो बच्चे आए थे गणतंत्र की भूमि से, उसके साथ हम बोले थे कि आप लोगों के साथ भोजन पर भी बैठेंगे, हमने उनसे फीडबैक लिया। कई माननीय सदस्य उस तरह के कार्यक्रम में सम्मिलित भी हुए हैं बाल युवा सांसद में, उन्होंने कितना बढ़िया इंप्रेशन लेकर फर्स्ट आवर का गया आपके बारे में, कहा कि हम लोग तो सुनते थे कि हंगामा होता है, स्थगित होता है, लोग लड़ते झगड़ते हैं, हमारी शब्दों से किसी को पीड़ा हो वो शब्द हम कतई नहीं बोलें, मर्यादित हो, नियमानुकूल हो, संविधान सम्मत हो। ये आग्रह और निवेदन है इस तरह की व्यवस्था का आप ख्याल रखें। और आगे से किसी भी सदस्य, हम पहले भी कहे हैं कि अमर्यादित भाषा बोलकर आप तत्काल के लिए अपनी पॉपुलैरिटी और अपने लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपका बारे में जो इंप्रेशन बनता है, जो परिचय आप देते हैं, वो दूरगामी आपका नुकसान करता है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए अब श्री राजेश कुमार कांग्रेस 14 मिनट, आपका समय पूरा हो गया, बैठ जाइए। राजेश कुमार,